हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी किड्स ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको नवरात्र पर बहुत ही आसान तरीके से दुर्गा माता जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको जो है दुर्गा माता जी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, पहले तो आप एक ऐसे थ्री लिख दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारा थ्री हो गया, फिर इसके बाद एक थ्री आप यहाँ पे लिख देंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों एक छोटा सा थ्री आपको यहाँ पे लिखना होगा, एक थ्री आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और प्यारे बच्चों आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको जो है माता दुर्गा जी की स्पेलिंग आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और माता दुर्गा जी की जय जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। बिना सोचे समझे आप माता दुर्गा जी की जय कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से एक हाफ सर्किल ऐसे बना दीजिएगा, फिर यहाँ पे भी एक हाफ सर्किल बना दीजिएगा, इसके बीच में भी हम ऐसे हाफ सर्किल बना देंगे। हाफ सर्किल बनाने के बाद प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे हल्का सा नीचे की तरफ ले जाइएगा। फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। इसको बहुत ही आराम से हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मिलाने के बाद अब आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस ऊपर की तरफ भी कर देंगे। यहाँ पे एक थ्री लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे भी एक हाफ सर्किल ड्रॉ करिए, एक हाफ सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। और प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊँ तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। और हाँ प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी भी है, अगर आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे हाफ सर्किल बना दीजिए, एक हाफ सर्किल आप यहाँ पे भी इसको डबल कर दीजिए, हाफ सर्किल नहीं प्यारे बच्चों सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे एक सर्किल बनाएंगे। फिर इसके बाद एक सर्किल आप यहाँ बना दीजिएगा, इसको भी हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ एक ऐसे हल्का सा जो है हाफ सर्किल करना है, मानी कि पूरा नहीं करना है। फिर इसके बाद सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ तक हो जाने के बाद एक हाफ सर्किल आपको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना होगा, यहाँ पे भी ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है और हो सके तो प्यारे बच्चों आप मेरे साथ ही बनाते रहिए। फिर यहाँ पे आप यू लिख दीजिएगा, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमें जो है नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे आप वी का शेप देते हुए यानी कि फेस का शेप लेते हुए यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको अंदर की तरफ घुमाइए, यहाँ पे घुमाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा, एक सर्किल यहाँ पे बना दीजिए, इसको अंदर की तरफ मिलाइए, यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। फिर यहाँ से बगल से आप ऐसे नेक बना दीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ से आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऐसे करिए, अंदर की तरफ एक यहाँ पे हम आई बना देंगे, एक आई हम यहाँ बना देंगे। फिर मार्कर के से आप इसको ब्लैक कर दीजिएगा। ब्लैक करने के बाद यहाँ पे हम माता दुर्गा जी का नोज़ बना देंगे। नोज़ बनाना बहुत ही आसान है तरीका है, मैंने आपको कई बार बताया प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऐसे सर्किल बना दीजिए, सर्किल बनाने के बाद हम यहाँ पे माता दुर्गा जी का लिप बना देंगे, इसको ऐसे अंदर की तरफ करते हुए फिर बाहर की तरफ कर दीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसे एक आईब्रो बना देंगे। आईब्रो बनाने के बाद प्यारे बच्चों इनका मुकुट बनाना हम भूल गए हैं, तो यहाँ पे ऐसे करिए, इसको जो है ऐसे हाफ सर्किल ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मिला दीजिएगा। इस लाइन को हम ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे भी डबल कर दीजिए। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे भी आप ऐसे थ्री थ्री लिखते जाइएगा। तो ये हमारे माता दुर्गा जी का चित्र बन के तैयार हो गया है। अगर आप माता दुर्गा जी को कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, चाहे तो आप पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।